अगर आप उत्तर प्रदेश में टिजटी पिजटी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में एडेड माध्यमिक विद्यालयों की हकीकत क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको केवल अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की हकीकत से रूबरू कराना है, आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, जब आप विद्यालयों में ज्वाइनिंग करके पहुंचते हैं तो वहां पर इसकी यथास्थिति आपको पता चलती है। तो पहले से ही आप इसके बारे में अवेयर रहें तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ अवेयरनेस के कारण मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या टिजटी पिजटी की नौकरी एक सरकारी नौकरी है? तो आपको बता दूँ कि ये सरकारी नौकरी कह भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। सरकारी नौकरी इस बेस पर कह सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है पेमेंट सरकारी मिलता है, लेकिन वो अनुदान पर मिलता है, यानी गवर्नमेंट एक तरीके से आपको सहायता दे रही है और वो सहायता के रूप में आपको यहाँ पर सैलरी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, लेकिन आप राज्य कर्मचारी नहीं है। आपकी नौकरी 100% सरकारी नहीं है, क्योंकि आपका चयन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इन कॉलेजों को अनुदान देती है और उसी अनुदान के बदले आपको पेमेंट मिलता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें जो दो पेपर आपके होने हैं, पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको मैट कहते हैं, दूसरा पेपर शैक्षिक योग्यता परीक्षण जिसको सेट कहते हैं, इनका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको 12,000 रुपये 9 से 12 तक की पढ़ाई में हर साल आपको मिलेगा। आवेदन अभी चल रहे हैं, इसके लिए फॉर्म भर के इस बुक से तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए, हल करके 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए गए, 100% ऑफिशियल सिलेबस के आधारित ये पुस्तक है। बाकी मार्केट में जो ये पुस्तक है उनसे ये पुस्तक काफ़ी अच्छी, अगर आप इसकी तैयारी कर तो इस पुस्तक को ज़रूर परचेज करिएगा। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या अपने ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट से भी खरीद करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो लोग नहीं जानते, बाकी जो टिजटी पिजटी कार्यरत शिक्षक हैं या जो कई समय से सालों से तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो विद्यालय होते हैं किसी थर्ड पार्टी के होते हैं, किसी पर्सन या किसी संस्था के होते हैं, सरकार के विद्यालय नहीं होते हैं। और इनका जो पूरा कंट्रोल होता है विद्यालयों का वो उस विद्यालय के मैनेजर के हाथ में होता है, जिसको प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक ही आपका नियोक्ता अधिकारी होता है, ना कि सरकार आपका नियोक्ता होता है, प्रबंधक ही नियोक्ता होता है। और अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आप चयन बोर्ड से चयनित होकर के आते हैं इन विद्यालयों में टिजटी पिजटी की नौकरी करते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, आपको नोटिस देना है या कुछ आपने कुछ भी ऐसा काम कर दिया जो सही नहीं है, तो मैनेजर पहले चयन बोर्ड से अनुमति लेगा कि इस व्यक्ति ने, इस टीचर ने ये गलती करी है तो हम इनके ऊपर ये कार्रवाई करना चाहते, उसकी संस्तुति पहले चयन बोर्ड से लेनी होती थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस व्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में ये व्यवस्था थी कि चयन बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप किसी भी टीचर के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई नोटिस दे सकते हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है। कहने का मतलब अब सीधा सीधा कंट्रोल मैनेजर के ऊपर आ चुका है, जब मैनेजर चाहे आपको बाहर निकाल सकता है। मैनेजर बहुत पावरफुल होते हैं,
आप मत ये मत समझना कि सरकार नियुक्ति करती है तो सरकार के ऊपर कंट्रोल है। नहीं, सरकार के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, आपका नियोक्ता मैनेजर है, ठीक है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो शिक्षकों के विरुद्ध हैं, और इसको लेकर के लगातार आंदोलन ट्विटर कैंपेन चल रहे हैं, जैसे कि धारा 18 में ये व्यवस्था थी कि यहाँ पर अगर आप सीनियर टीचर उस विद्यालय के हैं और वहाँ पर जो प्रिंसिपल का मौलिक पद है वो रिक्त हो जाता है तो फिर आपकी तदर्थ नियुक्ति प्रिंसिपल के पद पर हो जाती थी। और जब आप प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हो जा रहे थे तो वहाँ पर जो पेमेंट मिलता था वो आपका प्रिंसिपल का मिलता था, लेकिन अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, यानी अब आप प्रिंसिपल तो बन जाएंगे लेकिन आपको पेमेंट सहायक अध्यापक का ही मिलेगा। इसके अलावा धारा 12 भी ख़त्म कर दी गई है जो कि प्रमोशन से संबंधित थी, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चलो ये सब बातें अलग हो गई, कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस मामले को लेकर के जो आज कैंपेन चल रहे हैं, जो शिक्षक आंदोलनरत हैं, उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में आज 26 सितंबर को पूरे प्रदेश में चाक डाउन डे मनाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, इस संयुक्त मोर्चा में गरीब प्रदेश के 7 से 8 संगठन हैं जो माध्यमिक शिक्षकों के हैं, सब उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से परिचित होकर और उनसे परेशान होकर के संयुक्त मोर्चा गठन किया, और यहाँ पर जो है इनकी अगुवाई में आज पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। इसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, पोस्टर जारी किया गया है कि प्रथम कार्यक्रम है ये इसमें, और 26 सितंबर को चाक डाउन डे पूरे यूपी में मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज के चाक डाउन डे की, जो अलग अलग शिक्षक अलग अलग विद्यालयों से निकल के आई हैं। यहाँ पर तस्वीरें, पूरे प्रदेश में शिक्षक लामबंद है, चयन बोर्डिंग में जो सेवा सुरक्षा का मामला था वो ख़त्म कर दिया गया, इस वजह से यहाँ पर छात्र शिक्षक आंदोलनरत हैं। इसके अलावा और भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आप लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, जो कंट्रोल होता है पूरा मैनेजर का होता है, और मैनेजर जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबको नौकरी प्यारी है, कोई नहीं चाहता कि हमारी नौकरी के साथ कोई भी रिस्क हो। ऐसे में मैनेजर भी खूब प्रताड़ित करते हैं। आप प्रताड़ना से तब बच सकते हैं जब आप मैनेजर के चाटुकारे बने रहें। अगर आप निष्पक्ष हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है आपको प्रताड़ना झेलनी ही पड़ेगी, हर पल आपका मानसिक शोषण होगा ही होगा। आप लोग समझते हैं कि टीजीटी पीजीटी की हम नौकरी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी, तो यथास्थिति से आप रूबरू नहीं हैं। जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी तो नियुक्ति से पहले जैसे ही आपका नाम आएगा कि ये कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है, तो बिना कुछ डोनेशन दिए आप विद्यालयों में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैनेजर आपको ज्वाइनिंग के नाम पर आपसे भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार नहीं कर पाया तो आजीवन आपको प्रताड़ित करेगा, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी टाइटल के नाम पर, कभी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षक कार्यरत हैं। अगर आप उनमें सर्वे कराएं तो मैं गारंटी लेता हूं कि कम से कम 90% से ऊपर जो शिक्षक हैं वो मैनेजर से अपने परेशान हैं। आप सर्वे करा के देख लीजिए, 90% से ऊपर ही रिजल्ट आएगा जो कि वास्तविक रूप से परेशान है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। ज्वाइनिंग हो गया, वेतन हो गया, एरियर हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, और भ्रष्टाचार का अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर ये मैनेजर ऐसे हैं कि कुछ भी गलत आरोप लगा करके आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल और रियल चीज़ें बता रहा हूँ जो आज की स्थिति में हो रही हैं। डेली कोई ना कोई पत्र हम देखते हैं जहाँ पर किसी शिक्षक के ऊपर या शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई होती है, किसी को निलंबित कर दिया जाता है, किसी को नोटिस दे दिया जाता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और जब ये धारा 18 धारा 21
खत्म हो जाएंगी, हालांकि खत्म हो चुकी हैं, हालांकि इसको जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसी उसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस निकल के नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या स्थिति होगी, सबसे ज़्यादा तो स्थिति दयनीय हो जाएगी, महिलाओं की बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगी। और यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षक आज 26 सितंबर को चाकडाउन हड़ताल कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर और भी आप लोग देख सकते हैं। 13 सितंबर फर्रुखाबाद से प्रकाशित ये न्यूज है, जहाँ पर यह चर्चा हुई थी कि माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान सरकार बंद कर सकती है। जिस तरीके सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, उसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता है कब सरकार कठोर निर्णय ले ले और कब जो टिजिटी पिजिटी शिक्षक हैं वो सड़क पर आ जाएं। हालांकि ऐसा मुश्किल है, फिर भी सरकार की नीतियों को कुछ भी आप कह नहीं सकते हो। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो सैकड़ों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बताया जा रहा है कि टिजिटी पिजिटी शिक्षकों की जो नियुक्ति है, नौकरी अब खतरे में पड़ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना था। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक सभ्य भाषा में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप टिजिटी पिजिटी की नौकरी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो उतनी अच्छी है नहीं। हाँ, पेमेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन पेमेंट के साथ मानसिक प्रताड़ना भी आप झेलने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो उम्मीद